फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे साबूदाना और आलू की टिक्की और साबूदाना की खीर। देखिए, उसके लिए हम साबूदाना पहले भिगो के ले लिए थे। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का समय चल रहा है, तो उसके लिए देखिए हम साबूदाना पहले से भिगो के रखे थे 1 घंटा, और इसका हम बनाएंगे टिक्की और खीर। देखिए, इसमें से हम आधा टिक्की के लिए ले लेते हैं। देखिए, और इसमें हम डालेंगे 2 कटे हुए बारीक टमाटर और 2 हरी मिर्च चार पांच लिए, इसको बॉईल कर लेते और इसको फोड़ लिए। देखिए, अब इसको भी हम इसमें मैश करेंगे और इसमें डालेंगे काली मिर्च पीसी हुई और जी वो नमक और जीरा, आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसलिए हम सब मिक्स कर दिए, वही डाल रहे हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे। हम इसको मैश कर लिए हैं सब। अब इसकी हम टिक्की बनाएंगे। देखिए, बहुत ही टेस्टी टिक्की बनती है इसकी, आप ज़रूर बनाइएगा व्रत में। ये देखिए, ज़्यादा मोटा और ज़्यादा हम पतला भी नहीं बनाएंगे, एकदम मीडियम साइज। ये देखिए, ऐसे सब बना के हम रख लेते हैं। बस हम टिक्की सब बना लिए हैं। अब चलिए, ये देखिए गैस हम ऑन कर लिए। ये देखिए, तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ऑयल बहुत थोड़ा सा ही लगेगा, ज़्यादा नहीं। अब इसको हम फैला देते हैं, ऑयल को बहुत हल्का सा 2 चम्मच में डालें। ये देखिए, अब इस पर हम टिक्की डालते हैं कि डाल दिए हैं और गैस का फ्लेम हम स्लो कर दिए हैं। इधर देखिए, ये हम दूध बॉइल कर लिए हैं। अब इसमें हम साबूदाना डालते हैं। फिर हमारा हो गया है, देखते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा चीनी डालते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम 2 मिनट तक छोड़ देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे थोड़ा सा इसको हम हिला देते हैं। ये देखिए, चिपका नहीं है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम पलट देते हैं। टिक्की हमारी बन गई है, देखिए कितना एकदम अच्छा। और देखिए, कम तेल में हम बनाए हैं। आजकल तो सभी तेल ऑयली कम खाना पसंद करते हैं, इसलिए हम कम तेल में बताएं। देखिए, ये हमारा हो गया है। और ये देखिए, हमने अभी इसमें चीनी डाले थे, तो ये देखिए ये हो गया। इसको हम बंद कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम निकाल लेते हैं एक थाली में। टिक्की आप धनिए की चटनी के साथ और मूंगफली की किसी भी चटनी के साथ आप सर्व कर सकती हैं। बहुत ही टेस्टी हमारा टिक्की बना है। देखिए फ्रेंड्स, टिक्की और खीर साबूदाना का और ये चटनी देखिए बनके एकदम तैयार है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।